नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो तुला राशि वालों, 28 सितंबर 2022 से मां दुर्गा की नजरे अब आपकी राशि पर पड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपका और आपके परिवार का कल्याण होने वाला है। जो दुख काफी लंबे समय से चलते आ रहे थे वह अब समाप्त होंगे। ग्रह गोचर भी इस बात के संकेत दे रहे हैं। यदि इस दिन के पंचांग पर नजर डालें तो आपको बता दें, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, स्वाति नक्षत्र का निर्माण हुआ है, वैद्य योग बना है, सूर्य इस दिन कन्या राशि में है और चंद्रमा अब आपकी राशि यानी कि तुला राशि में संचार करने वाले हैं। इस अद्भुत ग्रह गोचर का प्रभाव दोस्तों आपके व्यापार पर, नौकरी पर, निजी जीवन पर, घर संसार पर, विद्यार्थियों पर, बेरोजगारों पर व अति महत्वपूर्ण कि आपके स्वास्थ्य पर कैसा पड़ेगा। कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा ताकि आप किसी भी प्रकार की मुसीबत में न पड़े, साथ ही किन किन चीजों से सावधान रहना होगा, सब कुछ वीडियो के बीच में आपको बताया गया है। बस दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहना ताकि आपको एक एक जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाए। सर्वप्रथम माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय माँ काली जरूर लिखें। आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं गुरुदेव के एक बहुत ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। तो दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं, हर इंसान में एक ना एक ऐसी बुरी वृत्ति होती है जो 24 घंटे उसे खुद से ही लड़वा रही होती है। हर घड़ी इंसान संघर्ष में जी रहा है। जब तक इंसान उस बुरी आदत को शांत नहीं करेगा तब तक वह दुखी ही भटकता रहेगा। फिर चाहे उसके पास संसार की सारी दौलत ही क्यों ना आ जाए, एक योगी अपनी उस वृत्ति को शांत कर लेता है, फिर उसे महान शांति और महान शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि दोस्तों, गुरुदेव आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पैसा आपके मन को शांत करेगा, पैसा आपको खुशियाँ देगा, आपको प्रसन्नता देगा, तो आप गलत हैं। दुनिया में दोस्तों कई सारे ऐसे करोड़पति लोग हैं जिनके पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है, परंतु शांति की कमी है। शांति यानी कि वह अपने परिवार वालों के साथ खुलकर दो पल बात नहीं कर सकते, परिवार वालों के साथ बैठकर साथ भोजन नहीं कर सकते, परिवार वालों के साथ कहीं बाहर सैर सपाटे पर नहीं जा सकते। पैसा तो है दोस्तों, परंतु मन को जो शांति होनी चाहिए वह नहीं है। करोड़ों में कोई एक न एक ऐसा व्यक्ति होता है जो धन दौलत से भी भरपूर होता है और परिवार की सुख समृद्धियां भी उसके पास होती है। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो लाइक करें, साथ ही अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ काली जरूर लिखें। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में जितना आप पैसों से दूर भागोगे या फिर जितना आप अपने काम से दूर भागोगे उतना ही नीचे आप गिरते जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य को पैसा तो चाहिए, धन दौलत से तो उसे मोह है, परंतु उसे मेहनत नहीं करनी है। यानी कि लोग ऐसा सोचते हैं कि बिना कुछ करे बैठे बैठे हम अमीर बन जाएं, उसके लिए वह कई सारे गलत मार्ग भी अपना लेते हैं। कोई जुआ खेलता है, कोई सट्टा खेलता है, कई सारे गलत गलत रास्ते वह चुन लेते हैं। परंतु गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप मेहनत से, काम से दूरियां बनाओगे तो पैसे से भी आपकी दूरियां बन दी जाएगी। अगले 24 घंटों में दोस्तों आपको एक मेहनती इंसान बनना है। अगर आप मेहनत से दूर भागे
तो आपके कोई भी सपने पूरे नहीं होंगे, कोई भी सपना आपका साकार नहीं होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, अगले 24 घंटों में आपको अपनी गुप्त बातें अपने पेट में टिका कर रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातकों की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि लोगों के मन में कोई भी बात टिकती नहीं है। आपके पेट में दोस्तों कोई भी बात टिक नहीं पाती। आपको हर बात का ढिंडोरा पीटने का बहुत शौक है और आपकी यही बुरी आदत अगले 24 घंटों में आपको बहुत बुरा फंसा सकती है। इसलिए आपको अपनी इस आदत पर लगाम लगाकर रखनी होगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि का बहुत ही पावन त्यौहार चल रहा है। ऐसे में दोस्तों नवरात्रि के यह जो 9 दिन होंगे, इन 9 दिनों में आपके भाग्य का बहुत बढ़िया साथ आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा की कृपा से, माँ काली के आशीर्वाद से आपका भाग्य सातवें आसमान पर दौड़ लगा रहा है। ऐसे में दोस्तों मनचाही सफलताएं आपको मिलने वाली है। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में सच्चे मन से आप मेहनत करोगे, बिना किसी का दिल दुखाए अगर आप मेहनत करोगे, तो आपके काम पूरे अवश्य होंगे। परंतु दोस्तों अगले 24 घंटों में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि लोग क्या सोचेंगे या फिर लोग क्या कहेंगे। इस बात से आप जितना दूर रहोगे, इस बात से आप स्वयं को जितना बचा कर रखोगे, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। परंतु जितना आप खुद के बारे में सोचोगे, जितनी मेहनत आप खुद को प्रसन्न करने के लिए, खुद को जीने के लिए करोगे, उतने ही अच्छे परिणाम भविष्य में आपको प्राप्त होंगे। इसलिए लोगों के दुर्विचार को भूल जाइए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर चलना है जो कि पल पल कदम कदम पर आपसे उधार मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, उधार मांगने वाले लोगों से आप जितना अधिक हो सके उतना अधिक दूर रहें, क्योंकि यह लोग दोस्तों कदम कदम पर आपसे पैसा मांगेंगे और पुनः आपके पैसे को कभी भी नहीं लौटाएंगे। इसलिए दोस्तों उधारी से क्षमा, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही अगर आप भी अपने स्वयं का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई धन खर्च करना चाहते हैं, तो सीधे सीधे शब्दों में बोल देता हूँ, जितनी ज़्यादा हो उतने ही पैर आपको पसारने हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपकी जेब में 10 रुपये हैं तो 10 रुपये ही खर्च करें। मैं तो कहता हूँ कि 8 रुपये ही खर्च करें, परंतु उधार लेकर 1 रुपया भी खर्च करने की गलती आने वाले अगले 24 घंटों में आपको नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने धन उधार लिया, तो यह धन मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ कि आप लौटा नहीं पाओगे, चुका नहीं पाओगे, और भविष्य में आप पर बदनामी का थप्पा लग सकता है। इसलिए अपनी हैसियत का ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने कर्म करने होंगे। साथ ही मित्रों, दफ्तर में काम करने वाले जातकों को बता दें, अपने डॉक्यूमेंट जरा संभाल कर रखें। आपके सहकर्मियों की बुरी नज़र आप पर पड़ चुकी है। स्वास्थ्य के मामले में दोस्तों दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अगर लंबे समय से आपका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत चिंतित थे, तो आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर जितनी भी परेशानियां आपके अंदर चल रही थी, जितनी भी टेंशन से आप गुजर रहे थे, अब वह सभी परेशानियां दूर होती हुई नज़र आने लगेगी और आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। लंबे समय से जो काम अटके पड़े थे, अब वह भी पूर्ण होंगे। बस दोस्तों लोग क्या कहेंगे, इस बात पर विचार इस दिन आपको नहीं करना है। तो दोस्तों यह थी कुछ खास
कुछ महत्वपूर्ण कुछ आवश्यक बातें जो कि थी दोस्तों आपके आने वाले दिन को लेकर। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर माता रानी के सभी सच्चे भक्त जय माँ दुर्गा जय माँ काली अवश्य लिखें। अभी के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।